ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। बिल्कुल सामने आ गई बस। हाँ जी पहुंच गए हो। वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को एक नए दिन और नई सुबह के साथ उस्मान निसार की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब लोग हैरियत से होंगे। और जिन्हें भी व्यूवर्स जेडे के मेरे इस चैनल पर नए ने और उन्होंने अजे तक मेरे इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया वो जल्दी ना इस चैनल में सबसक्राइब कर लवो ताकि मजीद आने वाली अच्छी तो अच्छी वीडियोज़ जड़िया ने आसानी नाले तक पहुँच सकन। अज सुबह काफ़ी शदीद किस्म की बारिश हुई सी लेकिन मैं सोया काफ़ी लेट उठाया जिस वजह तो मैं कोई भी व्यू कैच करके अपने व्यूवर्स के नाल शेयर नहीं कर सकिया। लेकिन दोस्तों ने दसा कि बारिश काफ़ी शदीद किस्म की सी और काफ़ी काले बदल जड़े ने छा गए सन और बारिश आई थी तकरीबन 9 to 10 बजे के करीब। सुबह के टाइम बारिश कितनी ज़्यादा हुई है वह एक सबूत है पानी भी है। यह सब पानी बारिश का इकट्ठा होया और काफ़ी ज़्यादा पानी सी जो कि जिधर तक ब्राउन घा नज़र आ रहा है इधर तक टोटल पानी सी लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी जमीन जज़ब कर चुकी है। सुबह जो बदल आया ही तुम जागते हो पे सुते सो जागते हो पे कि बदल सी ज़्यादा सी थोड़ा सी और कुछ चूजे इस तरफ चौक रहे ना। बारिश होने तो बाद पौद्या एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का निखार आ जाता है क्योंकि बारिश तो बाद पौधे धुच जाते हैं और इन्हों के उपर जिनी भी डस्ट और मिट्टी होंगी है बिल्कुल साफ हो जाती है और पौधे भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नहीं मैं भाई अज कोई कमेंट नहीं करा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम ही कहना अज बस फिर तू बंद कैमरे जी लड़ाई लैनी होंगी ना मेरे को नहीं बर्दाश्त होंगी। बिल्कुल सामने काफ़ी ज़्यादा जानवर चौग रहे हैं बकरियां मज्जा और गाइयां और इस टाइम जी कुदरती तौर पर ही इन्हों पैलियां पानी लग गया और जिन्हें लोगों ने भी हूँ मज्जा के लिए सब्ज पट्ठे बीजने हो गए सब्ज चारा बीजना है और बा आसानी हूँ इन्हों पैलियां के अंदर हल चला के तो सब्ज पट्ठे जड़े ने वो बीज लैणगे वरना क्योंकि स्पैशली पानी लगाना पेगा और पानी लगाने खर्चा भी होगा मेहनत भी करनी पेगी लेकिन कुदरती तौर पर जो पानी लग गया कोई खर्चा भी नहीं और कोई मेहनत भी नहीं। प्लेयर ताड़े घट गए ना दो प्लेयर और गए टाइम हो चुका जी रात के 8 बज गए ने और आज क्योंकि हुई सी बारिश तो बारिश होने की वजह तो यकीनन इस टाइम कीड़िया दी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ा आ रही होनगियां और जिस टाइम भी बारिश होंगी है तो बारिश होने तो बाद इन्हां कीड़िया दी आवाज़ा इस तरह ही सुनाई दिंदियां ने खास तौर पर रात के टाइम। और लाहौरों आ रहे ने जी मेरे कज़न मेरे मामू के बेटे विकास जिन्हां दे कोल के मैं लाहौर गया सा और जिन्हां वीवर्स ने विलॉग वाच नहीं किया स्क्रीन के उपर उस विलॉग का लिंक आ रहा है इस लिंक ओपन करके तुसी उस विलॉग में भी जरूर वाच करना काफ़ी खूबसूरत और मज़ेदार किस्म का विलॉग है। कुछ देर तक उस सियालकोट डाइवोडे ते पहुँचने वाले ने तो फिर चलने जी उन्होंने लैन वास्ते
है जी सियालकोट लारी अड्डा और असी जावांगे जी डाइवो एक्सप्रेस। डाइवो अड्डे ते पहुंच गया जी और वो भी बिल्कुल करीब ने, बस पहुंचने ही वाले ना, और बिल्कुल सामने आ गई बस। हाँ जी पहुंच गए हो। हाँ जी सर। और सब है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे जी आई दी एक छोटी सारी खूबसूरत जी वीडियो। अगर वीडियो तुहानू अच्छी लगी होवे तो वीडियो नू लाइक और चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। तो हुण मुलाकात होएगी जी कल एक नए दिन और नई सुबह दे नाल। ते कल तक लई अल्लाह हाफिज़।